हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्साइटॉन के बारे में। ये क्वेश्चन 2 बार 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है, तो इस वीडियो में हम एक्साइटॉन क्या है उसका मतलब समझेंगे, एक्साइटॉन कैसे बनते हैं और उसके कौन से 2 टाइप्स है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो एक्साइटॉन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहां पे लिखी है, एन एक्साइटॉन इज अ बाउंडेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल विच आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बियन फोर्स। अब ये डेफिनेशन देख के तो इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेंगे। ये हमारा क्या है, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो सिलिकॉन का एटम है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हर एक सिलिकॉन एटम अपने नियर बाय 4 सिलिकॉन के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ा के जुड़ा हुआ है। यानी कि अभी फिलहाल ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड स्टेट में है। बाउंडेड स्टेट में यानी कि आप बॉन्ड से अभी जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन अभी वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, यानी बाउंडेड स्टेट में प्रेजेंट है, फ्री नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब सपोज करते हैं कि ये क्रिस्टल को हम कुछ फोटोन की एनर्जी देते हैं एच न्यू के बराबर। अब ये फोटोन की एनर्जी अगर हमने दी तो सपोज करते हैं कि ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तब क्या होने वाला है, तब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कुछ यहां पे आ जाएगा, थर्मली फ्री हो जाएगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, इसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहां से ये जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसे जंप करके ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है, जहां से फ्री हुआ है, वहां पे वो एक होल छोड़ के जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जहां से निकला है, जहां से फ्री हुआ है, वो जगह पे एक होल छोड़ के जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो हमारी पैर बनी इलेक्ट्रॉन और होल की, ऐसी बहुत सारी पैर बनने वाली है। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां पे होल छोड़ के गया, यहां पे आ गया, ये एक और पैर बन गई। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, यहां पे एक होल छोड़ के गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। तो हमारी ये जो पैर है इलेक्ट्रॉन और होल की, ये पैर को हम एक्साइटॉन बोलेंगे, ठीक है। अब एक्साइटॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, सपोज कहते यहां पे था, तब हमने फोटोन की एनर्जी दी, फोटोन की एनर्जी देने के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया और यहां पे एक होल छोड़ गया। तो अब एक्साइट होने की वजह से जो भी हमारी पैर बनी इलेक्ट्रॉन और होल की, उसे हम एक्साइटॉन बोलेंगे। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया, यहां पे एक होल छोड़ गया, तो जो पैर बनी इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के कारण इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में, उसे हम बोलेंगे एक्साइटॉन, ठीक है। अब ये जो एक्साइटॉन है इसमें चांसेस क्या है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ये एक्साइटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन और होल की पैर जिसे एक्साइटॉन बोलते हैं। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन वापस से फॉल बैक कर जाए ये होल में, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो कि दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यानी ये होल इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन और होल अभी बाउंडेड स्टेट में है। क्यों बाउंडेड स्टेट में है, क्योंकि अभी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पे आ गया है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, ठीक है, कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। कंप्लीटली फ्री नहीं है, स्लाइटली यहां पे प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कुछ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। और ऐसे फोर्स जो एटॉमिक डिस्टेंस पे लगते हो, बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे लगते हो, उसे हम कूलम्बियन फोर्स बोलते हैं। यानी कि ये जो पैर है वो बाउंडेड है, क्यों, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, क्यों, ये जो पैर है इलेक्ट्रॉन और होल की, उसके बीच में कूलम्बियन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे हम बोल देंगे एक्साइटॉन। अब डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तो देख लेते हैं, एन एक्साइटॉन इज अ बाउंडेड स्टेट, बाउंडेड स्टेट में है, क्यों, फोर्स लग रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि बाउंडेड स्टेट में है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन और होल ये है, ये बाउंडेड स्टेट में है, विच आर
अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होंगे तभी तो रिकॉम्बिनेशन होगा, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलंबियन फोर्स, यानी छोटे डिस्टेंस पे जो फोर्स लगते हैं उसे कूलंबियन फोर्स कहते हैं। तो ये सारी बातें हो गई एक्साइटॉन की। एक्साइटॉन यानी क्या कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फोटोन देने के कारण, तब वो क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और एक होल छोड़ के चला जाएगा। अब ये होल और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो पैर है उसे हम एक्साइटॉन बोल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी क्या, ये एक्साइटॉन पैर की बात करें तो होल का प्लस इलेक्ट्रॉन का माइनस, दोनों चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। दे आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर में भी होते हैं इंसुलेटर में भी ये होते हैं। दे हैव स्लाइटली लेस एनर्जी देन अनबाउंडेड स्टेट। अब ये जो पैर है उनके पास थोड़ी सी कम एनर्जी होती है एज कंपेयर टू अनबाउंडेड स्टेट। अनबाउंडेड यानी ये फ्री हो चुका है, इसके पास ज्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है, इसलिए बाउंडेड स्टेट में है, इसके पास ज्यादा एनर्जी इसलिए फ्री हो चुका है, कोई एक्साइटॉन की पैर नहीं बना रहा। यानी ये जो एक्साइटॉन पैर है उसके पास कैसी एनर्जी होगी, थोड़ी सी कम एनर्जी होगी अनबाउंडेड स्टेट से, ठीक है। और लास्ट है, इसके दो टाइप है, तो इसके कौन से दो टाइप है वो देख लेते हैं। तो पहला है फ्रेंकल एक्साइटॉन और दूसरा है वॉनियर मॉट एक्साइटॉन, ठीक है। अब यहां पे भी लैटाइस बना के रखा है, यहाँ पे भी एक पैर बनाई है इलेक्ट्रॉन होल की जिसे एक्साइटॉन बोलते हैं, यहाँ पे भी लैटाइस बना के रखी है, यहाँ पे भी पैर है इलेक्ट्रॉन और होल की जिसे हम एक्साइटॉन बोलते हैं, जो बाउंडेड कंडीशन में होती है और एक दूसरे पे कूलंबियन फोर्स लगाती है अट्रैक्शन वाला, ठीक है। तो फ्रेंकल एक्साइटॉन यानी क्या, फिगर पे से हम बोल सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का डिस्टेंस कम हो या दोनों का सेपरेशन कम हो तब ऐसे एक्साइटॉन को फ्रेंकल एक्साइटॉन बोल लेंगे। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल इज लेस, और जब सेपरेशन इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में ज्यादा हो, फिगर पे से देख सकते हैं, उसे हम वॉनियर मॉट एक्साइटॉन बोलते हैं, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन होल इज मोर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो है इनको हम बोलते हैं टाइट बाउंड एक्साइटॉन, टाइट बाउंडेड एक्साइटॉन यानी क्या, अब डिस्टेंस कम है तो ज्यादा एक्सट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ज्यादा एक्सट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी दोनों टाइटली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि ये क्या होगा कॉल्ड फ्री एक्साइटॉन। फ्री एक्साइटॉन यानी डिस्टेंस ज्यादा है, इतना बाउंडिंग फोर्स नहीं है, यानी इसे फ्री एक्साइटॉन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज टाइटली बाउंड है, क्यों, डिस्टेंस कम है, और यहां पे वीकली बाउंड, क्यों, डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पे है बाइंडिंग एनर्जी 0.121 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है दोनों की वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। अगर इसे हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी दे दी तो क्या हो जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है बहुत ही कम है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी बहुत कम एनर्जी देने पर ये फ्री हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा एनर्जी देने पर फ्री होगा, इसलिए ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी तक आ सकती है, ये स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे, जबकि ये रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे तो ये जो एक्साइटॉन है उस पे इससे तो ज्यादा ही एनर्जी लगने वाली है, जिससे करके ये फ्री हो जाएंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे। तो अगर ये एक्साइटॉन को स्टेबल रखना है हमें, तो हमें बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर चाहिएगा, जिसे हम बोलेंगे क्रायोजेनिक टेम्परेचर, जो कि -273 से शायद स्टार्ट होता है, ठीक है। अब लास्ट है फाउंड इन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर में ऐसे एक्साइटॉन होते हैं और ये सेमीकंडक्टर में ऐसे एक्साइटॉन होते हैं। तो एग्जाम में यहां तक आपको लिखना है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।